हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग जो निष्ठा ट्रेनिंग चल रही है उसका मॉड्यूल 7 यानी कि विद्यालय आधारित आकलन है, उसकी प्रश्नोत्तरी के आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वह कर रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छात्रों की रैंकिंग करना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीखने का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है योग्यता आधारित गतिविधि। अगला क्वेश्चन है, आकलन का उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीखने का आकलन। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का अनुवेक्षक आकलन हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रचनात्मक आकलन। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। अब देखते हैं सबमिट करके कि कितने आंसर्स में सही हैं। तो आप देख लीजिए कि इसकी जो सारे 10 के 10 आंसर्स में सही हैं, इसीलिए स्कोर दिखा रहा है 10/10। तो फ्रेंड्स, ये थे मॉड्यूल 7 के करेक्ट आंसर्स। थैंक यू।